जितना हो सके अपने, यहाँ पे सोसाइटी काम आती है, यहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना काम आता है, क्योंकि जैसे मैंने रेफरेंस ट्रैक की बात की, वो एक ट्रैक वो सुनते हैं, उनका फेवरेट था, उन्होंने मुझे वो ट्रैक दिया, मैं वो ट्रैक मैं जब मैंने सुना तो मुझे पता चला उनका टेस्ट क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, वो चीज़ मुझे पता चली, तो अब मुझे एक राह मिल गई, अब मैं उस तरह से मैं उसको ट्रीट करूँगा। हालांकि दोनों बहुत ही अलग गाने हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया आदमी सोचता क्या है, सुनता क्या है। और यही चीज़ मैं अभी उस दिन के बाद से आज तक मैंने ये सबके साथ करनी स्टार्ट कर दी है। मैं रेफरेंस ट्रैक मांग लेता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि रफ मिक्स तो है ही, लेकिन मैं ये भी साथ में मांग लेता हूँ कि आपको लाइक व्हाट डू यू फील दिस फॉल्स अंडर, यू नो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट जॉनर, व्हाट जोन, यू नो इज देयर समथिंग इक्विवेलेंट दैट यू कैन शेयर विद मी दैट मे बी यू हैव बीन लिसनिंग टू, यू नो इट्स समथिंग विच इज ऑलरेडी योर फेवरेट। उसमें हो ये रहा है कि मुझे नए नए ट्रैक सुनने मिल रहे हैं, वो जब भेजते हैं ना गाना, जब वो चाहे स्पॉटिफाई पे हो, चाहे एप्पल म्यूजिक हो, कहीं पे भी, बट ऑफकोर्स अ गुड सोर्स, कई यूट्यूब लिंक्स भी भेजते हैं, लेकिन मुझे कुछ नया सुनने मिला, जो लोग सुन रहे हैं वो सुनने मिला, यू नो मैं अपनी पसंद नहीं सुन रहा हूँ, मैं उनकी भी पसंद सुन रहा हूँ। और जब गाना आप सुन रहे हो तो उसमें ये नहीं देखना है कि ये लाउड है, मेरा लाउड नहीं है, उसमें देखना है कि लो एंड कैसे ट्रीट किया है, लो मिड्स कितने कंट्रोल्ड हैं, मिड्स में आप देखें कोई मास्किंग नहीं है, कितनी क्लैरिटी है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसीज कैसे कंट्रोल्ड हैं, कैसे दे आर लाइक टक्ड इनसाइड, कुछ नथिंग इज पॉपिंग आउट, नथिंग इज जंपिंग आउट एट यू, ये चीज़ें देखनी है, लाउडनेस के पीछे नहीं जाना है। यू नो लाउडनेस के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाय गर्म अच्छी लगती है, लेकिन हर गर्म चाय अच्छी हो तो ज़रूरी नहीं, यू नो तो लाउडनेस का मैटर ये है कि वो दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट नाउ, और इन दिनों तो आई फील इट डजंट इवन मैटर बिकॉज अभी ये लफ रेटिंग्स काफ़ी आ गई हैं और इनके अपने स्पेसिफिकेशंस हैं और जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं दे आर एनी वेज पुलिंग योर मास्टर्स डाउन, तो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स नाउ। लेकिन सैडली बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो नए इंजीनियर्स हैं, दे ओनली एम फॉर दैट, यू नो। सो जब ईयर ट्रेनिंग करनी है, जब गाना सुनना है, तो ध्यान वोकल प्रोसेसिंग पे देनी है, वोकल के पीछे उस पर क्या चल रहा है, हाउ थिंग्स आर नॉट फाइटिंग। अब इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों के साथ हैंग आउट करें, यू नो अपने दोस्तों से भी पूछें कि, मैं तो चलो अपने क्लाइंट से पूछ रहा हूँ, मेरे जैसे वर्किंग रिलेशनशिप ऐसी हो जाती है कि क्लाइंट ही फ्रेंड बन जाता है, लेकिन आप अपने दोस्तों से पूछें, आस्क देम टू शेयर ट्रैक्स विद यू। मैं तो यहाँ आने का, जब मैं US शिफ्ट हुआ था, मैंने तो यहाँ आने के बाद हिप हॉप भी सुना और डेथ मेटल भी सुना, जो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी यू नो मैं सुनूंगा भी, लेकिन उसको भी एकदम कम वॉल्यूम करके, बिल्कुल कम सॉफ्ट मॉनिटरिंग में, मैं ये देखता था कि ये जो ग्लू है, जो पूरा ट्रैक एकदम सेट लग रहा है, बिल्कुल एवरी थिंग इज सो प्रॉपरली बैलेंस्ड, सो प्रॉपरली प्रोसेस्ड। वन मैंस म्यूजिक इज अदर मैंस नॉइज, लेकिन If I have to survive, if I have to provide a service, तो ये ज़रूरी है कि मैं एटलीस्ट मैं थोड़ा सा अपने आप को टच में रखूँ, एटलीस्ट अपने आप को अपडेटेड तो रखूँ कि भाई क्या चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये। आई कैनॉट एवर गो अगेंस्ट द करंट, मैं कभी भी जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं अपना टेस्ट दूसरे पे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं यही सही है, वॉट यू आर लिसनिंग टू इज़ रॉन्ग। मतलब मैं, मेरा टेस्ट वो नहीं है जो आपका टेस्ट है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मतलब ये बेकार सुन रहे हैं, ये ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा तो ना होता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता बिकॉज मैं उस फील्ड का, उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ जिस तरफ वो इंडस्ट्री जा रही है, और ये चेंजेस हमेशा रहे हैं। जो ये चेंजेस, पुराना 50s का म्यूज़िक सुन लें वो 70s में नहीं था, 70s का जो म्यूज़िक था वो 80s में नहीं था, 80s का म्यूज़िक 90s में नहीं था, ईयर 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, इसके अंदर भी अभी बहुत बहुत तब्दीली आई है, बहुत चेंजेस आए हैं, आगे और आएंगे। आपका टेस्ट जो है वो होगा अपना, जब आपको वक्त मिल रहा है, जब व्हेन यू आर एक्चुअली जस्ट चिलिंग एंड रिलैक्सिंग, यू मोस्ट वेलकम टू लिसन टू व्हाट यू एक्चुअली लव लिसनिंग टू। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ सर्विस। वो आदमी आपके पास अपना गाना लेके आया है, कहीं भी जा सकता था वो, लेकिन वो चाहता है कि आपकी एक्सपर्टीज के ज़रिए वो गाना और आगे बढ़े,
कई बार होते हैं क्लाइंट्स वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो नहीं बोल पाते, उनकी उनका जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी सीमित है, लिमिटेड है, बट दे आर आर्टिस्ट्स यार, मतलब वो उन्होंने वो उस गाने को जन्म दिया है और वो चाहते हैं कि वो गाना कहीं पहुंचे। अब बहुत बार होता है कि वो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मेरा ये गाना है मिक्स में ऐसा हो जाएगा, तो किस तरह से आप उसको सटली और उसको इन अ वेरी प्रोफेशनल वे आप उसको समझाएं कि सी दिस इज़ व्हाट यू गिवन मी एंड दिस इज़ व्हाट जो इनपुट है वो आउटपुट रहेगा एंड यू नो आई एम नॉट द वन प्रोड्यूसिंग, आई एम नॉट एडिंग ट्रैक्स, बट आई एम योर फ्रेंड एंड मैं सिंसियरली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ये करवा लें वो करा लें, थोड़ा प्रोडक्शन चेंज हो जाए। लेकिन वहाँ पे अभी प्रोड्यूसर के कपड़े आप नहीं पहन सकते कि अभी लड़ जाओ तुम्हारा भाई प्लेन उड़ाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, यू नो यू स्टिल एन इंजीनियर, यू कैन स्टिल सजेस्ट कि मेरे हिसाब से अगर ऐसा कर लें तो इसमें थोड़ा सा ये साउंड बेटर हो जाएगा और ये चलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, आपको अगर नहीं चल रहा ना, आपको नहीं जम रहा, अगर आपको नहीं पसंद है ना, आप हट जाएं रास्ते से, यू नो लेट हिम गो समवेयर एल्स। मैं ये मानता हूँ किसी की चीज़ है, किसी का काम है और मैं उसको जस्टिस नहीं दे पा रहा, तो मैं आई थिंक मुझे किसी और को करना चाहिए जो उसको बेटर डिजर्व करता है, जो उसको बेटर अंडरस्टैंड करता है, मेरा ये मानना है। साउंड इंजीनियरिंग और साइंस और प्लगइन्स एंड इक्विपमेंट वगैरह, उससे ज़्यादा ये पीपल स्किल्स की भी बात है, मतलब वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का, जहाँ पे लोगों को समझना, लोगों के साथ काम करना। मतलब आप इमेजिन करो एक स्टूडियो है, बिल्कुल बंद क्लोज वॉल्स हैं, उसके अंदर आप किसी के साथ पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हैं, या जब वो क्लाइंट अंदर आ रहा है, एक कमरा है, ये कमरा कमरे जितने स्टूडियोज़ हैं इसके अंदर मेरे साथ कोई और बैठा है, मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन कोई और आ रहा है यहाँ पे मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा उसके साथ क्या इक्वेशन होना चाहिए, क्या वाइब होनी चाहिए उस वक्त, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे कॉलेज में जो हमारे करियर के बारे में जो कहने वाले जो हमारे टीचर थे, ही वॉज अ लवली मैन, ऑसम मैन, उन्होंने एक बात कही थी कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग गुड एट योर वर्क, लोग आपके पास इसलिए नहीं आएंगे कि आप मतलब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, कोई भी ख़राब नहीं कर रहा, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम खराब नहीं कर रहा और ना कोई ख़राब करना चाहता है, हर कोई अपनी तरफ से हेल्प करना चाह रहा है और अपनी तरफ से अच्छा काम करना चाह रहा है, हर किसी को लग रहा है कि ये काम बाहर आएगा तो मेरा नाम भी बाहर आएगा। इट्स नॉट अबाउट यू डूइंग अ गुड जॉब, इट्स अबाउट हाउ ग्रेट अ हैंग यू आर, इट्स अबाउट कि आपके साथ काम करके किसी को क्या फीलिंग आती है, किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बहुत लोग इसलिए काम करते हैं आपके साथ क्योंकि आपके साथ काम करके मज़ा आता है, वो कहते हैं यार उसको बुलाते हैं यार उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ काम करके मज़ा आता है। जब दोस्ती होगी ना तो वो आगे काम में तब्दील होगी, यू नो इट विल इवेंचुअली लीड इनटू अ वर्किंग रिलेशनशिप। आई थिंक उससे भी बढ़कर ये बात है कि जो आप बनना चाहते हैं, यू नो इफ देयर इज एन आइडल, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, कोशिश करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले कि वो कौन सी चीज़ कैसे करता है, क्या करता है, ये पता चले, इसकी कोशिश ज़रूर करनी है। विच इज़ एक्चुअली नॉट इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये, बिकॉज ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि उस दायरे में रहें जहाँ पे ये काम हो रहा है, ताकि आपको कुछ देखने मिले, आपको सीखने मिले, आपको पता चलेगा कि ये अप्रोच क्या होती है, कैसे काम होता है। अगर वो नहीं हो पा रहा ना, एटलीस्ट अपना प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखें जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपका वो लेवल बढ़ता जा रहा है, आपके क्वेश्चंस उतने बेटर होंगे। जब आप फिर किसी को जब सवाल पूछेंगे ना, आप ऐसा बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे कि बेस के लिए कौन सा अच्छा कंप्रेसर है, जैसे कि वही बात होगी कि कोई पूछे कि बिरयानी बनाने के लिए कौन सी अच्छी कढ़ाई है, मतलब अगर उसने बनानी होती ना बिरयानी, वो बना चुका होता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बना चुका होता, उसको परफेक्ट भी कर चुका होता और अब तक उसको पता भी चल गया होता कि किस में अच्छा बनता है। ये बात है कि मतलब आप अगर जितना उसको कर रहे हैं, जितना आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको टूल्स का भी पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ बेटर है, क्या है। तो जब आप फाइनली जब अपने आइडल से, अपने किसी से जब आप मिलते हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी तरह आप काम करना चाहते हैं, आप यू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू दैट पर्सन एंड यू डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग दैट पर्सन और इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन। यू नो जो सबसे फर्स्ट थंब रूल है कि आप पहले अपने आर्ट के साथ टाइम स्पेंड करें,
आप पहले अपनी प्रैक्टिस जरूर जारी रखें, जो कुछ भी स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, उसको प्रैक्टिस करें जितना हो सके। अभी लग रहा है आपको यू आर एबल टू डू इट, अगले साल वो चेंज हो जाएगा। द फैक्ट दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज एंड यू फील दैट हे आई कैन डू दिस, दिस इज सो कूल, बट एक्चुअली चेंज हो जाएगा। मतलब ये ना हो कि सामने वो 25 स्ट्रिंग्स वाले स्ट्रिंग सेक्शन बैठा है, उसको रिकॉर्ड करना है, करना आपके हाथों में पसीना आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। और वो प्रैक्टिस से ही होगा, यू नो, द मोर टाइम यू स्पेंड विद इट उतना ये निखरेगा, उतना जितना गहरे जाओगे उतना ऊंचे उठोगे। हमारे कॉलेज में जो टीचर थे वो ये हमेशा कहते थे कि माय फेवरेट स्टूडेंट इज द वन हु ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, सिट्स इन द फर्स्ट टू रोज, आस्क्स द राइट क्वेश्चंस, और उसके असाइनमेंट्स, यू नो, ऑलवेज फिनिशेस हिज असाइनमेंट्स इन टाइम। तो ये डेडिकेशन, ये प्यार उसके साथ, ये बहुत जरूरी है। एक एक क्षण, एक एक मिनट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करियर में हेल्प नहीं करने वाला, आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड एट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट बीइंग एक्सीलेंट। बिकॉज गुड और ग्रेट तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं। व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम दैट एंटायर हर्ड इज व्हेन यू आर एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू। और फिर लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज गिव मी अ डिस्काउंट इन योर फी, आई रियली वॉन्ट यू टू वर्क ऑन माई सॉन्ग, प्लीज हेल्प मी, आई कैनॉट पे यू दिस टाइम। यू नो, लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, करवाना है तो उसी से ही करवाना है। वो बंदा सेव करेगा अपने जो भी काम कर रहा है ना उसमें से, उसकी सेविंग रखेगा ताकि नहीं गाना उससे मिक्स करवाना है, वो पैसे उसको देने हैं। आई थिंक ये अचीवमेंट है, आई थिंक दिस इज वॉट यू शुड एम फॉर। अगर आपका रिप्लेसमेंट कोई भी और है तो आई फील कहीं तो कुछ गड़बड़ है, बिकॉज पीपल शुड ओनली वॉन्ट टू वर्क विथ यू। यू नो, देर इज समथिंग, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यार वो लकी है बहुत, यार उसका लक है, वो ऐसा कर रहा है, काम कर रहा है वगैरह, ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये बहुत आमतौर पर कहा जाता है। द फैक्ट इज वेन ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वॉट वर यू डूइंग, वेर वर यू देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे किसी ने बहुत अच्छा ये कहा है, लक इज वेन अपॉर्चुनिटी मीट्स हार्ड वर्क। तो आपका हार्ड वर्क अगर ऑलरेडी इन प्लेस है, टॉप नॉच है, बिल्कुल सही है, when the opportunity will come, when they meet, जैसे मैंने कहा कि कुछ अहम बातें हैं, ear training, people skills, making friends, you know, spending more and more time with this art, because ये है तो scientific, लेकिन ये actually एक art है, you should not forget that. और आर्ट को तुम कितना उलझा लोगे, यू नो, नो मैटर कितने कोर्सेज कर लो, तुम डिग्रियां ले लो, तुम चाहे तुम कई थीसिस लिख लो, चाहे एट द एंड ऑफ द डे गाना है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो एंटरटेनमेंट, एक मूवी है, एक फिल्म है, उसमें आपने साउंड डाला है, एंड देयर आर रियली, आई फील क्रिएशन के लिए तो कोई भी रूल्स नहीं है। आप यू कैन लिटरली डिस्टॉर्ट अ रिवर्ब, यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ वियर थिंग्स, मतलब कुछ कोई रोक ही नहीं सक रहा। मतलब ये तो क्रिएटिविटी की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। नॉलेज और जो पढ़ाई है वो तो इसलिए चाहिए कि आप कोई गलती ना करें, यू नो, यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विच विल एडवर्सली इफेक्ट यू जब वो गाना बाहर जाएगा। मसलन विथ, इतनी ज़्यादा विथ कर देते हैं, इट स्टार्ट्स मेसिंग अप विथ फेज, इट स्टार्ट्स मेसिंग अप विथ, यू नो, इट्स मोनो कंपैटिबिलिटी, यू नो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने जब गाना मेरे पास भेजा तो उसने 5 किक्स थी उस गाने में। मैंने कहा, जब वो आया, जब उसने गाना सुना, मैंने उसमें से 3 किक्स हटा दी थी, 2 किक्स के साथ ही गाना मिक्स किया था, विच वर आई चोज द राइट वन, एंड उसके साथ ही गाना मिक्स किया था। तो मैंने उसको बाद में जब चाय पीते वक्त मैंने उसको बोला कि बाय द वे 5 किक्स आई थी मेरे पास। हाँ, मैंने कहा उसमें से 3 हटा दिए हैं, 2 बज रही हैं। तो पहले तो मेरे को ये लगा कि वो पता नहीं कैसे लेगा, उसको ये लगेगा कि यू नो, उसने यार 3 किक्स हटा दी, मैं उसको बताया भी नहीं। बट ही एक्चुअली सेड नो, इट्स साउंडिंग ग्रेट, इट्स साउंडिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये कुछ, ये ईयर ट्रेनिंग की बात है, ये तजुर्बे की बात है, ये अब उसको, उसने कहा कि मेरे पास तो यार बैड मॉनिटरिंग है, तो मैं भरता गया, यू नो, मेरे को पता नहीं चला। तो ये काम, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आप ना करें। फिर मैं जोर दूंगा ईयर ट्रेनिंग पे, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं
वो आपके अंदर आपका वो टेस्ट बन रहा है, यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग एवरी मिक्स लाइक दैट. तो इस वजह से सही सुनना, और सही सुनने के लिए घर में सही सेटअप होना, घर में एक ऐसा कॉर्नर होना जहाँ पे आप सही सुन पा रहे हैं, आप सही काम कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. फोकस, फोकस होना. तो इसलिए घर में एक ऐसी जगह होना, राइट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग गियर की बात करते हैं कि मैं ये गियर ले लूँ, वो ले लूँ, नीव ले लूँ, ये चैनल स्ट्रिप ले लूँ. मतलब आपके पास व्हेन यू हैव, चाहे आप प्रो टूल्स पे काम कर रहे हो, क्यूबीएस पे काम कर रहे हो, उसमें जो प्लगइन्स है ना, अपने आप में यू हैव एब्सोल्युटली, यू नो, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग दैट कैन कीप यू फ्रॉम डिलीवरिंग गुड साउंड. एक्चुअली आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है. अगर उन प्लगइन्स को आप यूज़ करना सही सीखेंगे, मतलब बात घूमते घुमाते गियर पे आ गई है, तो मैं ये इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उसके पास वो गियर है ना, इस वजह से वो साउंड है. किसी भी इंजीनियर के पास पूरी दुनिया में, किसी भी इंजीनियर के पास कोई भी क्लाइंट इसलिए नहीं गया कि उसके पास वो गियर है. इट्स बिकॉज वो इंजीनियर की सेंसिबिलिटी, उसका टेस्ट, वो कैसे अपने क्लाइंट्स के काम को, उनके गानों को हैंडल करता है, इस वजह से उसके पास काम आता है. वो बोल बच्चन जो कहते हैं कि बहुत बोल बच्चन है, काम ले आता है, वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े होते नहीं है वैसे. पार्डन मी सेइंग दैट, आई मीन आई थिंक आई एम सीमा से मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इट्स द स्पेस बार दैट डज द टॉकिंग, इट्स नॉट वट यू स्पीक. कई जो होते हैं ना इंजीनियर्स होते हैं, वो क्लाइंट को पर टेक्निकल टर्म्स बता के उसको बेचारे को कंफ्यूज कर देते हैं. उसको लगता है कि या उसको लगता है पता नहीं मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है. बट एक्चुअली यू नो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द क्लाइंट एट ईज. इट्स अबाउट शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड उसको क्या चाहिए. फिर वही बात है कि मतलब किसी भी इंजीनियर के पास कोई भी क्लाइंट इसलिए नहीं गया कि उसके पास एक पर्टिकुलर गियर है. इट्स बिकॉज वो अपने क्लाइंट्स को वो दे रहा है जो उन क्लाइंट्स को चाहिए. और ये जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना, ये जो गुरु मंत्र है, ये जिस दिन आपको समझ आ गया, नो वन विल गो एनीवेयर, पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. मेरा ऐसा मानना है. तो इसलिए गियर के पीछे ना भागें. यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ. ऑफकोर्स गुड मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन एनी गियर. जितना हो सके पैसे बचाएं. मेरे अगेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मैं उनको मानता हूँ, फराद दाडी बुजुर्ग उनका नाम है. उन्होंने मुझे ये कहा था कि आई यूज़ टू क्रैक प्लगइन्स अलॉट. तो उन्होंने कहा था कि तुम अगर प्लगइन नहीं खरीदोगे तो वो प्लगइन बनाएंगे कैसे, वो यू नो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी. एंड ये दीज प्लगइन्स एक्चुअली एनेबल यू टू डू योर जॉब, एंड दैट इज़ हाउ यू आर चार्जिंग योर क्लाइंट्स. उस दिन के बाद मैंने काफ़ी अरसे तक मैंने स्टॉक प्रो टूल्स के स्टॉक प्लगइन्स के साथ काम किया था. और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सेल आती थी, मैं वो $20 का $10 का प्लगइन खरीदने लग गया था. एंड ही वॉज अगेन द वन हु सेड दैट डोंट बॉदर अबाउट गियर, ऑल्दो यू मस्ट सेव मनी एंड try and invest in good monitors. मुझे ये बात याद आ रही है तो इसलिए मैंने उनका भी नाम लिया. और आई फील दिस इज अ मच सेफर वे टू अप्रोच इट एंड हेड टूवर्ड्स. जितना हो सके घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, जो जितना हो सके अकोस्टिकली ट्रीटेड हो, जितना अफोर्डेबल हो सके. इवन इफ यू आर सेविंग मनी, शुरुआत में बहुत सारे लोग, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ऊबर चलाते हैं, यू नो दे आर एक्चुअली ऑडियो इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स. लेकिन जब सेशन नहीं होता, काम नहीं होता, तो दे ऊबर चलाते हैं बिकॉज ये काम ही ऐसा है. जैसे फिर वही बात आ गई कि आप पैसे के लिए तो इसमें आ ही नहीं सकते. इसमें तो बात धीरे 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 बनती है, जितने जैसे आपका सर्कल बनता है, जैसे जैसे आप काम करते हो तो बनता है. उसके बाद आप यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी, यू नो एक्चुअली स्टार्ट द क्लाइंट्स एक्चुअली स्टार्ट पेइंग यू. तब तक तो थोड़ा स्ट्रगल है, इसलिए तब तक तो बस प्रैक्टिस करते जाना है, तब तक अपने इस क्राफ्ट को, अपनी स्किल्स को होन करना है. तो उसके लिए सही मॉनिटरिंग, सही वर्क एनवायरनमेंट, एक वर्क स्टेशन जहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो.
फिर किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस आर डिस्ट्रप्शन ऑफ द इमेजिनेशन. और ये जो फील्ड है, ये काम है, ये है सारा इमेजिनेशन. आप मिक्स पहले मन में सुनते हो, फिर बाद में उसको बाहर आप रियलाइज करते हो. जो आर्टिस्ट होता है वो अपने मन में, जो कंपोजर है तो पहले मन में अपना गाना उसका ऑलरेडी बज रहा होता है कि उसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये सिंगर गाएगा, ऐसा गाएगा वगैरह. तो आपको, आपके भी मन में वो चलेगा, चलना चाहिए. जितना आप उसमें डूबेंगे उतना आप भी उस लेवल तक आएंगे. शुरुआत में नहीं आएगा समझ कुछ, और इसी वजह से शुरुआत में ही जो पायरेटेड प्लगइन्स लेके, जिनको लगता है ना मैं ये प्लगइन में मैं कर लूँगा तो फिर मैं ये ऐसा साउंड हो जाएगा. इट्स आई मीन यू आर द मैन, यू शुड बी कंट्रोलिंग द मशीन. ऐसा नहीं कि उसके थ्रू पास कर दिया या वो लगा दिया तो साउंड बन गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं. ऐसा होता नहीं है एक्चुअली कभी. और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, देन आई वुड से यू आर अ लिटिल लेस ऑफ एन इंजीनियर, क्योंकि आप यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. दैट मीन्स दिस फील्ड इज लाइक अ जेलस लवर रियली. द मोर यू इट वॉन्ट्स यू टू नॉट गो एनीवेयर, इट वॉन्ट्स यू टू स्पेंड टाइम विद इट. किसी भी रिलेशन को ना वक्त देना पड़ता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है. आप इसके साथ टाइम स्पेंड करें, आप इसमें डूबें थोड़ा, यू नो. एंड इफ यू फील कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप you're not able to give it that much, then at least don't lie to yourself. You know, that means आपका interest कुछ और है. And life बहुत छोटी है. मतलब देखते ही देखते आप 30 साल के हो जाते हो, देखते देखते आप 40 साल के हो जाते हो, 50 साल के हो जाते हो. एंड यू, अभी का तो वक्त ऐसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. आई मीन जस्ट वैन यू थिंक यू आर द बेस्ट, समवन एल्स कम्स अलॉन्ग एंड टेक्स दैट स्पॉट. यू आर, आई मीन ऑडियो इंजीनियर के बारे में तो ये कहा जाता है, बहुत अच्छा कहते हैं यहाँ पे, कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मिक्स, यू ओनली एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट, द लास्ट जॉब दैट यू डिड. आप अच्छा काम जानते हैं, जानते होंगे, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे. एज ऑफ नाउ यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट, योर लास्ट मिक्स. तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे कि जब अपॉर्चुनिटी आए उतना ग्राउंड वर्क होना चाहिए, उतना हार्ड वर्क होना चाहिए दैट यू आप उसको निभा सको. आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड टू फूल अराउंड, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी भी आर्ट का जो काम है वो एक ट्राइंगल है. वो एक, इट्स द बॉडी, इट्स द माइंड, इट्स द हेड, द ब्रेन एंड इट्स ऑल्सो द हार्ट. इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कोई भी आर्ट होता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, यू नो, ये कोई भी आर्ट फॉर्म हो. बॉडी का यूज है, विथ योर बॉडी आप वो कर रहे हैं, आपका ब्रेन में जहाँ पे टेक्निक्स हैं आप वो कर रहे हो, उनको यूज कर रहे हो, जो आपने याद किया हुआ है, जो जैसे चल रहा है, और आप दिल से महसूस कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो. एनी आर्ट फॉर्म, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. इनमें से कोई भी एक कम हो गया ना, इट विल नॉट गो वेरी फार, यू विल बी स्ट्रगलिंग, यू विल बी पुशिंग इट. सो नॉट टू डिस्करेज यू, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल बातें हैं. इनको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा अगर आप इस मामले में थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये मतलब स्टॉप फूलिंग अराउंड, स्टॉप लाइंग टू योर ओन सेल्फ. इफ देर इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, उसको पता करो, समझो उसको, उसके 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 तह तक जाओ, उसकी जड़ तक जाओ. यू नो, अभी के ज़माने में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप जो नहीं सीख सको, जो आपको नहीं पता चल सके. अभी के टाइम में तो नॉलेज इज ऑल अराउंड अस. मतलब मैं ये कहता हूँ कि सवाल कम है, उल्टा जवाब ज़्यादा हैं. इतना कुछ है, देर इज नॉट वन सिंगल थिंग दैट यू कांट लर्न फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल. यू नो, अगर कहीं कुछ गलती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर्स, आस्क योर इंस्ट्रक्टर्स, अपने से बड़ों को पूछें. औरों का टाइम मत वेस्ट करो. जब आप किसी प्रोजेक्ट में आते हो, इट्स ऑलवेज अबाउट वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल. आपकी वजह से लैग हो रहा है, आपकी वजह से कोई चीज़ किसी की ख़राब हो रही है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता यार. क्योंकि एक तो वो आर्ट है, उसमें ऑलरेडी कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं.
यू नो देयर इज किसी एक सेट फॉर्मूला नहीं है कि ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया हो गया. एक गाना जब बनता है वो ऑलरेडी जो कंपोजर है वो ऑलरेडी बॉदर्ड है, मतलब उसने मुखड़ा बना दिया, अंतरा बना दिया, उसने वर्स बना दिया, प्री कोरस बना दिया, कोरस बना दिया, हुक बना दिया, प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो गई, सब कुछ आ गया. मतलब तुम्हारा काम है उसको पैकेज करना अच्छे से, तुम्हारा काम है कि उसको आगे तक पहुंचाना. चलिए खैर, ये कुछ बातें थी जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएं. एंड आई एम सॉरी अगर वीडियो लंबा हो गया है, आई डोंट नो इसको दो पार्ट्स में शायद स्प्लिट किया जाएगा या कैसे. मेरे लाइक कोई भी अगर सवाल हो, मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकूँ, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी सवाल पे अगर थोड़ी रोशनी चाहिए, सो आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर. आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी किसी भी बात से आप सहमत ना हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, मैं सीखूंगा आपसे. गालियाँ देनी है खुली एकदम खुले दिल से गाली दो, मेरा चैनल नहीं है, अपने आदित्य भाई का चैनल है, वो संभाल लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस होल साउंड इंजीनियरिंग थिंग, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. आप इन्हें बहुत काम करने हैं, बहुत झंडे गाड़ने, आपकी वेलबींग, आपके परिवार की वेलबींग, यू नो आपका आपके इस डिसीजन के ऊपर है कि आप ज़िंदगी में क्या करते हो. एंड कई बार क्या होता है कि बहुत आगे चल के, बहुत बाद में चल के अपनी गलतियों का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी वो कह रहे हैं इस वक्त इस पैंडेमिक में करने के लिए, इससे बचाव के लिए, प्लीज़ करें. बिकॉज आई फील इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. लेकिन एटलीस्ट स्टिक टू द प्रोटोकॉल, यू नो एटलीस्ट डोंट बी क्रेजी, डोंट बी एन ईडियट, यू नो बिकॉज यू विल अफेक्ट अदर्स ऑल्सो. अंटिल वी मीट अगेन, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, जय हिंद.